हेलो दोस्तों, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भी एक कंपोजिशन स्कीम के अंडर जो व्यापारी रजिस्टर्ड होता है, अगर उसका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल के लेजर किस हिसाब से क्रिएट करेगा और अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस किस प्रकार से इश्यू करके देता है। तो दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग को प्रैक्टिकल तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मेंटेन होती है और ये आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो तो ये हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है और आज की जो क्लास है ये हमारा इस सेकंड पार्ट का वीडियो है। तो इससे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो हमने बनाया था, जो कि ऑलरेडी अपलोड है, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। इसमें अगर कोई ट्रेडर्स का डीलर है और वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करता है, जीएसटी को किस प्रकार से एप्लीकेबल करेगा, जीएसटी के टैक्स रेट को किस हिसाब से सेटअप करना होता है, और कुछ हमने उसमें हमारे प्रैक्टिकल वाउचर से परचेज की एंट्री करना भी सीखा था। हमने कंपोजिशन डीलर से भी किस प्रकार से परचेज किया जाता है, अगर हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी एक कंपोजिशन डीलर किस प्रकार से एंट्री करता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो ये सब कुछ हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में कवर कर लिया था। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको प्रॉपर सही तरीके से पता लग सके कि कंपोजिशन की डीलर की जो शुरुआत होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन करने की वो किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी को हम आगे प्रोसेस करते हुए आज हम ये सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं और इसमें हम कवर करेंगे सेल लेजर क्रिएशन और सेल इनवॉइस इश्यू टू कस्टमर। तो इस दो टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर सही तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन करना सीखना चाहते हो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं या हम सेल का लेजर वाउचर एंट्री करते वक्त साथ के साथ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको क्रिएट करके रख लेंगे। तो लेज़र को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे गेटवे टेली पे और क्रिएट के ऊपर और उसके बाद में लेज़र को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अभी जो कंपोजिशन डीलर का जो व्यापारी होता है वो सिर्फ दो टाइप के लेज़र मेंटेन करता है, या तो वो कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करता हो तो टैक्सेबल सेल का एक लेज़र क्रिएट करता है, या फिर वो एग्जम्प्ट सेल यानी कि जीएसटी टैक्स फ्री की अगर कोई सेल करता है तो वो जीएसटी टैक्स फ्री सेल के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि कंपोजिशन डीलर को रेगुलर डीलर के टाइप में अलग अलग 5% 12% 18% या फिर जीएसटी 28% सेल के इस टाइप से अलग अलग लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अभी तक हमने जो गुड्स परचेज किए हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास टैक्सेबल थे। तो उसके दौरान हम जब टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री करी थी तो हमने टैक्सेबल परचेज के नाम से ही एक लेज़र क्रिएट किया था, टैक्सेबल गुड्स परचेज। तो अब हम टैक्सेबल गुड सेल के नाम से लेज़र क्रिएट करेंगे और ये दोनों हमारे पास वो ट्रांजैक्शन है जो हमने पिछले वीडियो में इन दोनों वाउचरों से करी थी। तो इस टाइप से, तो आप इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रॉपर और सही तरीका समझ में आ जाए। और अब हम सेल का लेज़र क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे टैक्सेबल गुड सेल और अंडर में रहेगा ये सेल काउंट के। तो आपको जीएसटी इसको एक बार एप्लीकेबल रख देनी है और जो जीएसटी डिटेल है इसको नो रख के और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए हम वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे दौरान हम F8 यानी कि सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम फर्स्ट इनवॉइस ही इश्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास मैनुअल बिल बुक की सीरीज साथ में चल रही है तो जो मैनुअल बिल बुक के ऊपर जो वाउचर नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम से कंप्यूटराइज्ड बिलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1, 2, 3 के हिसाब से देख सकते हो, या फिर आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक स्पेशल
यूनिक कोड के साथ भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए एक बार मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, और उसके बाद में अब एक कस्टमर हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेंगे, और एल्ट सी का हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। अब कोई भी कस्टमर हमारे पास हो सकता है, जैसा कि हमने लिख दिया राम कुमार, तो हमारा कस्टमर है, तो इसको हम रखेंगे सैंडी डेप्टर में। अब उसके बाद में ये एड्रेस वगैरह, अब ये आपका कस्टमर किस टाइप का है, रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम 3 अलग अलग टाइप के लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। एक हम मान लेते हैं भी ये हमारा अनरजिस्टर्ड यानी कि बिना रजिस्ट्री का कस्टमर है। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, उसको हम कोई भी प्रोडक्ट एक बार सेल करते हैं, क्वांटिटी हम डालते हैं। अब इसके बाद में जो रेट है इसका, तो दोस्तों हम रेगुलर डीलर का जो होता है वो यहाँ पर टैक्सेबल प्राइस लिखता है, यानी कि विदाउट जीएसटी, जीएसटी से पहले की जो अमाउंट होती है पर पीस की, वो यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो जीएसटी इंक्लूड करके, अपने खर्चे को इंक्लूड करने के बाद में जो उसने प्राइस सेलेक्ट किया हुआ सेल करने का, वो फाइनल अमाउंट ही यहाँ पर हमें फिलअप करनी होती है। तो दोस्तों अगर हमें देखना हो भी ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास किस रेट के हिसाब से आया हुआ है, तो हम इस प्रोडक्ट पे जाके एल्ट एस प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल स्टॉक की क्वेरी ओपन हो जाती है। तो इसमें हमें आइडिया हो जाता है भी हमने ये 24 पीस परचेज किए थे, और ये 13 रुपये का पर पीस का हमें रेट आया हुआ है, ये जीएसटी इंक्लूड अमाउंट है। तो हम इसका सेलिंग प्राइस उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तय करेंगे। हम क्वांटिटी रख देते हैं 3 पीस, और रेट हम लिख देते हैं 225 रुपये, तो ये 675 रुपये नेट है। तो अब हमने जो सेल का लेज़र क्रिएट किया था टैक्सेबल गुड सेल, वो यहाँ पर लेज़र हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम करेंगे सेव। और इसी तरीके से जो 2 नंबर इनवॉइस है, इसका एक लेज़र हम और क्रिएट कर लेते हैं राम एंड कंपनी के नाम से, और ये हमारा कस्टमर है, तो सैंडी डेप्टर में रखेंगे, और इसको हम रजिस्टर्ड डीलर मानते हुए इसको रेगुलर में रखेंगे। तो एक बार जीएसटी नंबर को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, और उसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट हम अलग ले लेंगे 9 वाट का। 9 वाट का आपको प्राइस देखना है, तो एल्ट एस एम प्रेस करेंगे, क्वेरी आ जाएगी, और उसके बाद में आपको इसका प्राइस पता चल जाएगा 127 रुपये और 68 पैसे, और इसकी क्वांटिटी हम 4 डाल देते हैं, और 160 रुपये इसका सेलिंग प्राइस रखते हैं, और इसको भी हम करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। और इसी तरीके से एक हम कंपोजिशन डीलर का एक और लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हम कर लेंगे, यहाँ पे XYZ ट्रेडिंग कंपनी, और इसको हम कंपोजिशन डीलर मानते हुए इसको कंपोजिशन में सेलेक्ट करेंगे, और जीएसटी नंबर को एक बार हम स्किप कर देंगे, और कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे, कीबोर्ड हम ले लेंगे। रेट को देखने के लिए आपके पास 125 रुपये का ये पर पीस का रेट है, तो हम इसका उसी के अकॉर्डिंग इसका रेट हम सेट कर देंगे 150 रुपये, और टैक्सेबल सेल। तो इस तरीके से हमने ये 3 वाउचर सेल की एंट्री करी है, अनरजिस्टर्ड डीलर को, रेगुलर डीलर को, और एक कंपोजिशन डीलर को। तो दोस्तों आप चाहे किसी को भी सेल करो, तो हमें पर्टिकुलर एक लेज़र के साथ ही सेल करनी होती है। तो अब वापस हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे टोटल सेल हम देखते हैं, एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन कर लेंगे। तो आप देख रहे हो अभी तक हमने 1915 रुपये की सेल कर दिए। तो अब बात आती है भी जब हमने सेल का लेज़र क्रिएट किया, और यहाँ पे जब सेल वाउचर की एंट्री करी, तो हम यहाँ पर टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया। हालांकि टैक्स के लेज़र हमने क्रिएट किए, लेकिन अगर आप टैक्स को सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि जो कंपोजिशन डीलर का जो रेगुलर होता है वो अपने सेल इनवॉइस के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। तो इसलिए नेट अमाउंट का ही, अब इस ये जो अमाउंट है, अब इस अमाउंट के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड हो सकती है, इसके एक्सपेंसेस जो भी है वो सब कुछ इंक्लूड है, यानी कि ये 675 रुपये के ऊपर अब आपको इस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दोस्तों अब इसका टोटल टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी, तो अभी आप देख रहे हो अगर हम टोटल सेल की बात करें, तो हमारे पास टोटल सेल होगी 1915 रुपये की, और ये सारा का सारा हमने टैक्सेबल प्रोडक्ट ही सेल किए हैं। तो इसके लिए हम टैक्स की डिटेल देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पे जाएंगे, और जब हम कंपोजिशन की जीएसटी रिटर्न तैयार करते हैं, तो हम CMP 08 GSTR 4 हम तैयार करते हैं, तो CMP 08 हमको सेलेक्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे हो 1915 रुपये की
हमारी जो सेल थी, अब उसके बाद में हमारे पास जो टैक्स बन गया 9 रुपये 58 पैसे सेंटर का टैक्स है और 9 रुपये 58 पैसे हमारा स्टेट का टैक्स है। तो टोटल 1% के हिसाब से 19 रुपये और 15 पैसे की टैक्स की कैलकुलेशन है। दोस्तों अब ये टैक्स की कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करिए, ये हमने जब फर्स्ट पार्ट का वीडियो तैयार किया था, जब हमने जीएसटी का रजिस्टर उसमें नंबर दिया था और कंपोजिशन डीलर को सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पे हमने टैक्स रेट 1% दिया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल जो हमारी सेल होती है उसका 1% के हिसाब से टैक्स की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इन दो टॉपिक को कवर किया, सेल के लेज़र हमने क्रिएट किया और सेल इनवॉइस की एंट्री हमने करी। अगर हम इस इनवॉइस का अगर प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमेशा की तरह जैसे नॉर्मल हम इनवॉइस इशू करते हैं उसी टाइप का, बट इसके ऊपर एक वर्डिंग जरूर लिखी आएगी बी कंपोजिशन स्कीम टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज, यानी कि कंपोजिशन डीलर है ये जो इशू कर रहा है सेल इनवॉइस का, लेकिन वो इस सेल इनवॉइस के ऊपर टैक्स है जो चार्ज नहीं कर सकता एज पर रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके ऊपर जितना भी 1% का टैक्स बनेगा वो इस डीलर को यानी कि जो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है इस कंपनी को ही पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर से वो ऑलरेडी इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड करके ले चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।